हेलो एवरीवन, वेलकम टू वॉच ऑन पॉइंट। आज की कहानी बेस्ड है भारत के लिए पैरालंपिक्स में सबसे पहला गोल्ड मेडल लाने वाले मुरलीकांत पेटकर जी के लाइफ पे। दोस्तों, हम सभी को लगता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें हैं, मगर आप बस एक बार ये सच्ची कहानी सुन लो, आपको एहसास हो जाएगा कि जिंदगी की मुश्किलें कितनी बड़ी हो सकती है और उसका सामना करने के लिए कितना बड़ा जिगर चाहिए। मेरा यकीन है दोस्तों, कहानी के अंत तक आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे और आपको अपनी जिंदगी की मुश्किलें बहुत छोटी लगने लगेगी। तो देर नहीं करते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और समय होता है 2017 का। महाराष्ट्र के सांगली जिले के एक पुलिस स्टेशन में एक आदमी भारत के राष्ट्रपति पर चीटिंग का केस करने आया होता है। उस पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होता है इंस्पेक्टर सचिन कांबले, जो बहुत शौक हो जाता है। वो उस आदमी से उसका नाम और उसके बारे में पूछता है। वो आदमी अपना नाम मुरलीकांत राजाराम पेटकर बताता है। उनका कहना होता है कि भारत के राष्ट्रपति ने आज तक उनको अर्जुन अवार्ड नहीं दिया। उनके देश के लिए ओलंपिक में मेडल लाए 40 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो सम्मान नहीं दिया गया जिनके वो हकदार है, और इसीलिए वो भारत के राष्ट्रपति पर केस करना चाहते हैं। वो ये अवार्ड खुद के लिए भी नहीं चाहते हैं, वो ये अवार्ड चाहते हैं अपने गाँव की तरक्की के लिए। जब कभी भी किसी को इतना बड़ा पुरस्कार मिलता है तो पूरे देश की नज़र उस जगह पर पड़ती है जहां पर उसका घर होता है। वहां बहुत ही तेजी से डेवलपमेंट होता है, इसीलिए मुरलीकांत पेटकर जी चाहते हैं कि उन्हें ये अवार्ड दिया जाए ताकि गांव की तरक्की हो सके, सड़कें बने, स्कूल बने, शौचालय व्यवस्थाएं बने। इसके बाद इंस्पेक्टर कांबले के सामने पेटकर जी अपने सारे मेडल रखते हैं, जिसके बाद कांबले पेटकर जी से उनकी कहानी पूछता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें 1952 का समय दिखाया जाता है, जहां पर मुरलीकांत बहुत ही छोटा होता है। अपने भाई जगन्नाथ के साथ वो देश के लिए पहले ओलंपिक गोल्ड मेडल लाए केडी जाधव जी को देख रहा होता है। वहां पर बहुत भीड़ होती है, सब लोग बस उस एक आदमी की जय जयकार कर रहे होते हैं, उसे देखना चाहते हैं, उससे हाथ मिलाना चाहते हैं, क्योंकि उससे पहले किसी ने भी देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं लाया था। जिसको देखकर छोटे मुरली के मन में भी इच्छा होती है वो बड़े होकर उनके ही जैसा देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आएगा। और जिसके बाद दिखाया जाता है कि स्कूल में टीचर जब सभी बच्चों से पूछता है कि तुम लोग बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो कोई बताता है कि वो डॉक्टर बनना चाहता है, तो कोई फौजी। लेकिन मुरली से यही बात पूछने पे वो बताता है कि वो ओलंपिक जाएगा और देश के लिए मेडल लेकर आएगा, जिस पर सभी बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। और बाद में उन बच्चों से मुरली का झगड़ा भी हो जाता है, जिस पर उसका भाई कहता है, तू कुछ करेगा, कुछ बन के दिखाएगा, तभी तो लोग तुझको चैंपियन मानेंगे, वरना लोग तुम पर हंसेंगे ही। जगन्नाथ उसको एक अखाड़े में ले जाता है और कहता है, तू यहाँ पर जाकर उस्ताद जी का शागिर्द बन जा। जिसके बाद मुरली उस्ताद जी के पांव पकड़ लेता है और उनका शागिर्द बन जाता है। जिसके बाद मुरली पहलवानी सीखने भी लगता है। दिखाया जाता है कि वो स्कूल बंद करके भी पहलवानी करने चाहता है, लेकिन वहां पर उसे छोटे मोटे दावपेच ही सिखाए जाते हैं और कुछ इस तरह वो बड़ा भी हो जाता है। एक दिन उस्ताद अपने पहलवानों से कह रहा होता है, उसका जीजा अपने बेटे के साथ गांव में दंगल करने आ रहा है। वो बहुत ही गर्म दिमाग का है, वो चाहता है कि उसका बेटा जो पहलवानी सीख रहा है वो यहाँ पर आए और पहलवानी करे, लेकिन तुम लोगों को उससे झूठ मूठ का एक मैच करना होगा और हारना होगा, जिस पर कोई भी पहलवान तैयार नहीं होता। उनका कहना होता है कि उनकी गांव में इज्जत है, वो किसी नव सीखिए से हार नहीं सकते। लेकिन सभी लोग मुरली का नाम सजेस्ट करते हैं, क्योंकि अब तक मुरली को उस्ताद ने कुश्ती के बड़े दांव पिच नहीं सिखाए थे। लेकिन मुरली दारा सिंह को अपना उस्ताद मानता था, वो बड़े बड़े पहलवानों को देखकर उनके दांव पेच को प्रैक्टिस करता रहता था। जब उस्ताद का जीजा गांव में आता है और उसके बेटे के साथ मुरली का दंगल होता है, तो मुरली उसे उठाकर पटक देता है और उसे हरा देता है, जिससे कि उस्ताद का जीजा बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मुझे यहाँ बुलाकर जानबूझकर मेरा अपमान किया जा रहा है। उस्ताद अपने जीजा को समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन कई लोग लाठी लेकर मुरली को तोड़ाने लगते हैं। मुरली गिरते पड़ते वहां से भागने लगता है और भागते भागते उसे एक ट्रेन दिखाई देता है, जिसमें एक सरदार होता है, और ट्रेन में हाथ देकर वो ऊपर चढ़ जाता है, जहां उसकी मुलाकात होती है गर्नैल सिंह से। गर्नैल मुरली से पूछता है कि आखिर ये लोग तुझे मारना क्यों चाहते थे। इसके बाद मुरली उसे अपनी पूरी कहानी सुनाता है, जिस पर गर्नैल कहता है कि वो एक बॉक्सर है और वो फौज में भर्ती देने जा रहा है। फौज से ही मिल्खा सिंह, मेजर ध्यानचंद जैसे कई लोग ओलंपिक तक पहुंच पाए हैं। वो मुरली को भी फौज में चलने को बोलता है, कहता है कि अगर तुम्हें अपने सपने को पूरा करना है तो तुम्हें फौज में होना चाहिए। जिसके बाद मुरली भी भर्ती में चला जाता है। वो फिजिकल एक्टिविटी में अच्छा होता है, इसीलिए सेलेक्ट भी हो जाता है।
आगे उसे ट्रेनिंग के लिए एकेडमी भेज दिया जाता है, जहां पर वो अपने दोस्तों को अपने सपने के बारे में बताता है कि वो देश के लिए गोल्ड मेडल लाना चाहता है ओलंपिक्स में, जिस पर उसके दोस्त हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अब तक तेरे जैसे कितने आए और कितने गए, कोई भी मेडल नहीं ला पाया। जिस पर मुरली बहुत गुस्सा हो जाता है और उसका झगड़ा दूसरे जवानों से हो जाता है, जिसका पता उसके सीनियर को चल जाता है। वो मुरली को बहुत पनिशमेंट देता है, कहता है कि तुम जैसे लोगों की फौज में जरूरत नहीं है। जिस पर मुरली कहता है, ये सभी लोग मेरे सपने पे हंस रहे थे, इसीलिए मैं गुस्सा हुआ उस्ताद, मेरा बचपन का एक ही सपना है कि मैं देश के लिए ओलंपिक में मेडल लाऊं। जिस पर मुरली का सीनियर कहता है कि तुम कौन सा गेम खेलते हो? मैं पहलवान हूं उस्ताद। सीनियर बोलता है कि अभी तो यहां पहलवानी नहीं होती है, लेकिन पहलवानों जैसा ही एक और गेम है, और वो उसे टाइगर अली से मिलाता है, जिसके बाद टाइगर अली सभी लोगों का टेस्ट लेता है और वो मुरली और उसके दोस्त गर्नैल दोनों को सेलेक्ट कर लेता है। वो उन्हें ट्रेनिंग देने लगता है। दोनों के दोनों बॉक्सिंग में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं, इसीलिए उनका सिलेक्शन टोक्यो में हो रहे बहुत बड़े मिलिट्री गेम्स टूर्नामेंट में हो जाता है, जहां पर जाकर दोनों के दोनों बहुत मैचेस जीतते भी हैं। लेकिन गर्नैल कुछ मैचों के बाद पिछले बारी के चैंपियन से हार जाता है और मुरली सेमीफाइनल में जाकर युगांडा के एक फाइटर से हार जाता है। ऐसा इसलिए हुआ होता है क्योंकि टोक्यो पहुंचकर मुरली को एक लड़की पसंद आ गई थी, जो कि एक रिपोर्टर थी, जिसकी वजह से मुरली का फोकस गेम से हट गया था। इस बात को टाइगर अली ने नोटिस कर लिया था, इसीलिए मैच खत्म होने के बाद टाइगर अली ने मुरली से बात करना बंद कर दिया था। वहां पर लौट के आने के बाद मुरली की पोस्टिंग कश्मीर हो जाती है। टाइगर अली भी वहीं पे होते हैं, लेकिन अब वो मुरली से बात नहीं कर रहे थे। तभी वहां पे चिट्ठी आती है। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि मुरली का सिलेक्शन एशियन गेम्स में हो गया है, क्योंकि उसकी रैंकिंग एशिया में नंबर 1 थी। जिस चैंपियन से वो हारा था उसकी रैंकिंग तो अफ्रीका में आती थी। अगर वो इस बारी गलती नहीं करेगा तो जरूर जीत जाएगा, उसे ओलंपिक जाने का मौका भी मिल सकता है। इस बात पर टाइगर अली कहते हैं, मैं भी अपने टाइम में सोचता था कि देश के लिए मेडल लाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया, लेकिन तुमको देखकर मेरी उम्मीद जगी थी, लेकिन तुमने गेम से फोकस हटाकर मेरा दिल तोड़ दिया। लेकिन मुरली वादा करता है कि वो दूसरी बार ऐसा नहीं करेगा। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी पाकिस्तानी एयरफोर्स आर्मी के इस बेस कैंप पे हमला कर देती है, जिसकी वजह से कई सारे फौजी मारे जाते हैं। टाइगर अली को भी बहुत चोटें आती है। मुरली का दोस्त गर्नैल शहीद हो जाता है। मुरली को भी 9 गोलियां लगती है और वो बेहोश हो जाता है। दोस्तों, ये साल था 1965, जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, जिसमें हमने अपने देश के कई वीरों को खोया। इसके बाद हमें 1967 में आर्मी हॉस्पिटल उधमपुर का दृश्य दिखाया जाता है, जहां 2 साल से मुरलीकांत बेहोश था। वो जब होश में आता है तो उसे बताया जाता है कि 65 की जंग में उसे 9 गोलियां लगी थी। 8 गोलियां तो निकाल दी गई, लेकिन एक गोली मुरलीकांत के स्पाइनल कॉर्ड में है, इसीलिए डॉक्टर वो गोली नहीं निकाल पाए, जिस वजह से मुरलीकांत के पेट के नीचे का भाग पैरालिसिस का शिकार हो गया था। वो अपने पैरों पे चल नहीं सकते थे, यहाँ तक कि वो ये भी महसूस नहीं कर सकते थे कि उन्हें वॉशरूम जाना है या नहीं। जब ये सब कुछ मुरलीकांत जी को पता चलता है तो उनके साथ साथ हम लोगों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं कैसे जिंदा रहूंगा। जिस पर उसे कहा जाता है कि तुम्हें मुंबई भेजा जा रहा है, जहां पर तुम्हारा इलाज किया जाएगा। मुंबई पहुंचकर मुरली का ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन ये ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता है। डॉक्टर मुरली को बताते हैं कि गोली उसकी रीढ़ की हड्डी में बहुत अंदर तक चली गई है, अगर उसे निकालने की कोशिश की गई तो मुरली का पूरा शरीर पैरालिसिस का शिकार हो सकता है, इसीलिए मुरली को अब ऐसे ही जीना पड़ेगा। वहां पर केवल मुरली ही ऐसा नहीं होता है, और भी कई जवान जिन्होंने देश के लिए गोलियां खाई और चलने फिरने के काबिल नहीं रहे, वो भी वहां पे होते हैं। मुरली अब उनके साथ रहने लग जाता है, जिसके बाद वहां पर मुरली के घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। वहां पर उसकी माँ उससे मिलने आती है। अपनी माँ को देखकर मुरली बहुत इमोशनल हो जाता है, उसकी माँ के आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुरली की ऐसी हालत देखकर उनके घर वालों को उस पर यकीन नहीं हो रहा होता है। इसके बाद मुरली अपने भाई से कहता है कि वो अपने घर में रहना चाहता है। जगन्नाथ कहता है कि घर में वैसे ही बहुत परेशानियां हैं, घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है, तू इतने सालों तक नहीं आया और आज जब आया है तो तेरी हालत बहुत खराब हो गई है, तेरी देखभाल वहां पर कैसे होगी, तू यही रुक जा, यहां पर सब कुछ है, नर्स है, डॉक्टर है, वो सारी सुविधाएं हैं जो गांव में नहीं होती। इसके बाद मुरली वहीं पे रुकने का फैसला लेता है और उसके घर वाले उसे छोड़कर गांव चले जाते हैं, जिस पर मुरली अंदर ही अंदर बहुत टूट जाता है, लेकिन वो चेहरे से दिखाता नहीं है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और ये दृश्य वाकई में बहुत इमोशनल है। वो इतना टूट जाता है कि वो इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है। वो अस्पताल के एक स्टाफ की मदद से बाहर से वाइन मंगवाता है, वाइन के साथ 30 नींद की गोलियां खा जाता है ताकि वो मर जाए, लेकिन वो मरता नहीं है, बल्कि उससे उल्टियां हो जाती है
और सारी की सारी नींद की गोलियां बाहर आ जाती है। तब जाकर मुरली सोचता है, मैं सबसे पहले गांव वालों से बच गया जब उन्होंने मुझे मारने के लिए दौड़ाया था। उसके बाद मुझे जंग में 9 गोलियां लगी, फिर भी मैं बच गया। आज मैंने 30 नींद की गोलियां खाई लेकिन फिर भी मेरी जान नहीं गई। मतलब ऊपर वाले ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा है, इसलिए मैं हार नहीं मानूंगा। आगे उसे बताया जाता है कि अगर वो स्विमिंग करेगा तो उसका शरीर पहले से बेहतर काम करेगा, इसीलिए वो स्विमिंग भी सीखने लगता है। लेकिन पैरों के काम ना कर पाने की वजह से उन्हें स्विमिंग में बहुत दिक्कत हो रही होती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और तभी वहां पर उनके कोच टाइगर अली आते हैं। उन्हें देखकर मुरली की आंखों में चमक आ जाती है और चेहरे पे खुशी, क्योंकि जंग के बाद टाइगर अली को मुरली ने पहली बार देखा था। वो आपस में मिलकर गर्नैल के चले जाने का बहुत गम मनाते हैं, जिसके बाद टाइगर अली मुरली को दारा सिंह के एक मैच में ले जाते हैं, जहां पर दारा सिंह जी 40 की उम्र में भी कुश्ती लड़ रहे होते हैं। टाइगर अली मुरली से कहता है, तुम दारा सिंह जी को अपना पहला उस्ताद मानते हो ना, लेकिन जानते हो वो 40 की उम्र में भी क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि अभी भी वर्ल्ड चैंपियन बनने का एक सपना बाकी है। वो कहते हैं कि वो यहाँ मुरली को वापस ट्रेनिंग देने के लिए आए हैं। मुरली ने उनसे लास्ट टाइम कहा था कि वो उनसे ट्रेनिंग लेना चाहता है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन अब वो मुरली को ट्रेन करेंगे। मुरली बहुत ही उदास मन से कहता है कि अब वो उसके लायक नहीं है। वो कहता है कि मेरे नीचे का भाग बिल्कुल भी काम नहीं करता है, मैं तो बस दुनिया में अब बोझ हूँ। इसके बाद टाइगर अली उसे पैरालंपिक के बारे में बताता है। पैरालंपिक वैसे लोगों का ओलंपिक है जो कि फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए होता है। अपने डिसेबिलिटी के साथ वो लोग कम्पिटिट करते हैं और देश के लिए मेडल लाते हैं। मुरलीकांत पेटकर जी को टाइगर अली स्विमिंग करने के लिए कहता है। वो कहता है कि वो स्विमिंग में ही कम्पिटिट करे। इसके बाद मुरलीकांत जी लगातार बहुत मेहनत करते हैं और जर्मनी में होने वाले पैरालंपिक के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं, जिसके बाद मुरली और टाइगर अली जर्मनी के म्यूनिक शहर पहुंच जाते हैं। उनके वहां पहुंचने के एक दिन बाद ही टेररिस्ट अटैक हो जाता है, जिसमें 3-4 खिलाड़ियों की मौत हो जाती है। पैरालंपिक को 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया जाता है, लेकिन मुरली हार नहीं मानता। वो 1 साल तक लगातार मेहनत करता है और इसके बाद वो वापस पैरालंपिक में आता है। दोस्तों, यहाँ पर उसका मुकाबला बहुत सारे पुराने पैरालंपिक खिलाड़ियों से होता है। वो खिलाड़ी पहले से ही बहुत ट्रेंड होते हैं और कई मायनों में मुरली से बेहतर भी होते हैं, लेकिन मुरली किसी भी तरह फाइनल्स तक पहुंच जाता है। लेकिन फाइनल्स के दिन वो अपनी पूरी जर्नी को रिवाइंड करता है, जहां वो याद करता है कि कैसे वो यहाँ तक पहुँचा है, कितनी मुश्किलें उसने झेली और जिंदगी ने उसे यहाँ तक पहुँचाया है उसकी एक वजह है। ये सब कुछ को वो अपनी ताकत बनाकर पूरी जान लगाकर वो स्विमिंग करता है और दोस्तों वो हिस्ट्री बनाते हुए भारत के ऐसे पहले पैरालंपिक प्लेयर बनते हैं जो गोल्ड लेकर आते हैं। ये खबर रेडियो के माध्यम से उनके गाँव में भी फैल जाती है और उनकी माँ ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं। वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर उनका मुरली ओलंपिक पहुंच ही गया और गोल्ड मेडल लेकर आया, जैसा कि वो बचपन में कहा करता था। इसके बाद कहानी सीधा वापस पुलिस स्टेशन में प्रेजेंट समय में आ जाती है, जहां पर इंस्पेक्टर कामले को जरूरी काम से कोर्ट जाना पड़ता है, जिसको देखकर मुरलीकांत जी वापस चले जाते हैं और अपने पैसों से ही अपने गांव के लिए सड़क बनाने का फैसला करते हैं। वो सोचते हैं कि बाकी डेवलपमेंट के काम भी वो अपने पैसों से ही धीरे धीरे करेंगे। लेकिन जब कोर्ट से इंस्पेक्टर कामले वापस आता है तो वो मुरलीकांत जी के बारे में सोचता है। वो सोचता है कि देश के लिए जिस व्यक्ति ने इतना कुछ किया है, अगर उनको सम्मान दिलाने के लिए वो कुछ कर पाए तो जरूर करेगा। जिसके बाद वो मुरलीकांत पेटकर जी की कहानी को एक जर्नलिस्ट को बताता है। वो जर्नलिस्ट आर्मी में अपने दोस्त से कांटेक्ट करके मुरलीकांत पेटकर जी के पुराने फाइल्स को निकलवाती है और जब उस जर्नलिस्ट को पेटकर जी की कहानी के बारे में पता चलता है तो वो ये जान के शॉक हो जाते हैं कि देश के लिए इतना बड़ा काम करने वाले पहले पैरालंपिक गोल्ड मेडल लेकर आने वाले को आज तक देश ने सम्मान नहीं दिया है। वो इस आर्टिकल को अपने अखबार में छापती है और सब तरफ न्यूज से इस खबर को फैला देती है, जिससे कि होम मिनिस्ट्री से एडिशनल सेक्रेटरी आते हैं। वहां पर मुरलीकांत जी अपने ही पैसों से सड़क बनवा रहे होते हैं। एडिशनल सेक्रेटरी वहां पर बोलता है कि हम आपको अर्जुन अवार्ड नहीं दे सकते, पर कि देश आपको पद्मश्री से सम्मानित करना चाहता है। दोस्तों, पद्मश्री देश के उच्चतम सम्मानों में से एक है। इसके बाद हमें मुरलीकांत पेटकर जी के असली फुटेज को दिखाया जाता है जब वो राष्ट्रपति जी से पद्मश्री से सम्मानित हो रहे होते हैं। इसके बाद मुरलीकांत जी ट्रेन से अपने गाँव आते हैं और उन्हें देखने के लिए वैसे ही भीड़ जमा हुई होती है जैसा कि उन्होंने बचपन में केडी जादव के लिए देखा था। सब लोग उन्हें ही देखना चाहते हैं, सब उनके लिए तालियां बजा रहे होते हैं। एक बच्ची बिल्कुल ही उनके जैसे ही उनको देख रही होती है, जैसा कि उन्होंने केडी जादव को देखा था। दोस्तों, मुरलीकांत पेटकर जी की कहानी आजाद भारत की कहानी है। 1947 में आजाद होने के बाद ऐसा लग रहा था मानो ये देश टिक नहीं पाएगा, लेकिन हमारा देश भारत लड़ता है हर मुश्किल से, हर हालात से।
वैसे ही मुरलीकांत भी लड़ता है हर मुश्किल से, हर हालात से। हारना न भारत को मंजूर था, न ही मुरली को। दोनों की आंखों में एक ही सपना था, कुछ बनने का, कुछ करके दिखाने का। दुनिया के हर शक, हर सवाल, हर चिढ़ाती हुई हंसी को गलत साबित करने का और पलट के बोलने का, ए हंसता काय को है। दोस्तों, वॉच ऑन पॉइंट मुरलीकांत पेटकर जी को सलाम करता है और ऐसे महान व्यक्ति को शत शत नमन करता है। इसी के साथ चंदू चैंपियन मूवी की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि ऐसी ही कहानियां मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। वॉच ऑन पॉइंट को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कीप वॉचिंग वॉच ऑन पॉइंट।